हे गाइस, वेलकम बैक टू इमोर्टल गेमिंग। तो आज हम फिर से भाई पीवीपी का एक और नया एपिसोड लेके आ गए। और अभी भाई मैं इधर सब ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी बीवर डैम लूट के आया था और बीवर डैम में काफ़ी ज़्यादा फूड था। तो भाई सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भाई आइस बायो में इधर भाई भूख लगती रहती है अपने बंदे को, इसलिए तो ये सबसे अच्छी बात है। और सीमेंटिंग पेस्ट देख लो भाई, 3000 के अराउंड आ गया है। तो भाई ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी भाई मुझे रेड करना है एक बेस को, और उसको रेड करने के लिए भाई मुझे सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए और रॉकेट लॉन्चर और सब बनाने के लिए, और मेटल भी चाहिए जो भाई मैं फार्म कर लूँगा। और अभी भाई मैं ये सब ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और मैं थोड़ा सा भाई चारकोल लेके, मैं गन पाउडर लेके गया था अपने साथ, क्योंकि भाई मेरे पास एमओ नहीं था। और अपना जो राफ्ट हाउस है उधर भाई काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थी, बट पहले मैंने सोचा था कि वो सारा आइटम्स इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, बट अभी भाई मैंने सोचा उधर ही रहने देते हैं वो सब रिसोर्स। तो अभी भाई इधर सब ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपने लिए भाई सब बना लेते हैं। और इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा सामान है देख लो, वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टफ़ है। और अभी भाई मुझे रेड करना है, इसलिए भाई हम जल्दी से भाई रॉकेट लॉन्चर बना लेते हैं पहले तो। ओके, ऑर्गेनिक पॉलीमर चाहिए, तो भाई मैं जल्दी से फार्म करके बना लेता हूँ और उसके बाद बेस पे चलते हैं जिधर रेड करना। तो इधर भाई रेड करना एक बेज है, तो भाई पहले तो हम ऑफलाइन चले जाते हैं। अबे यार, टॉर्च नहीं, ऑनलाइन करना था। ओके, एरोप्लेन मोड ऑन करके अभी दिखा देता हूँ भाई किधर बेज है और किधर से रेड कर सकते हैं, वो भी मुझे भी देखना है। और वैसे भाई मैंने सब एसिनेंट आर्मर नहीं पहना हुआ है, वो चेस्ट पीस है वो एसिनेंट वाला है जो भाई गिली मुझे मिला है वो। और इधर देख लो भाई, एंकाइलो है ये, इधर एक टेरेट है, इधर एक टेरेट है, मीन्स चार ही टेरेट है। तो भाई मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भाई 200 प्लस लेवल के भाई अर्जेंट एविस है, जो अपने एलियन से उसने भाई डील करके इसको बेचे है, और उसको भाई क्या मिला मुझे अभी पता नहीं है, बट हमारी बात हुई तब भी भाई उसने बताया था। तो भाई उसके ही आरजी है और उसका भाई मिली डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आई थिंक सो भाई इधर जाके हम रेड कर सकते हैं। ओके, इधर भाई पहुँच जाएंगे तो भाई इजीली रेड हो जाएगा, क्योंकि भाई इधर ही पहुंचना है उसके बाद तो मैं सब। तो अभी भाई जल्दी से चलते हैं। और भाई मैंने चार रॉकेट प्रोपेनेंट ले लिया और एक रॉकेट लॉन्चर ले लिया, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं भाई कितना लैग होगा इस सर्वर की वजह से। ओके भाई, लैग काफ़ी ज़्यादा था और मेरा हेलमेट भाई एसएनएन वाला नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से मर गया, क्योंकि भाई सब शॉट हेलमेट पे ही पड़ते हैं इसलिए। बट कोई नहीं, चलो अभी फिर से आते हैं। तो अभी भाई फिर से चल रहे हो और इधर से ट्राई कर रहा हूँ, जिधर से भाई मैंने देखा था ऊपर जंप करके ट्राई कर रहा हूँ, और देखते हैं भाई लेग ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर शॉट मिला। ओ ओ, ओ भाई क्या, भाई क्या फ्रेम ड्रॉप आ रहा भैंस क्या। और भाई अब मुझे ओके, अभी जल्दी से भाई इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, फिर से भाई प्रिमिटिव वाला को। अबे यार, अबे नहीं नहीं नहीं, जल्दी से रीलोड। अबे लॉन्च, अबे हो जा। भाई मैं मरा भाई, इधर से भाई मैं निकल लेता हूँ। ओके भाई, मैं बचने नहीं वाला, क्योंकि भाई मेरी हड्डी हड्डी पसली एक कर दी थी, इसलिए साला एंकाइलो भाई अभी मुझे उसको मारना पड़ेगा। तो पहले तो भाई मैं एंकाइलो को मार लेता हूँ। साला मिली बॉब भाई, क्या ही मिली है भाई इसका, क्या भाई खतरनाक मिली डैमेज है इसका। तो भाई इसको मैं जल्दी से भाई अपनी एसएनएन पिस्तौल से मार लेता हूँ, या भाई अपने अर्जेंट एविस से मार लेता हूँ, क्योंकि भाई वो न्यूट्रल पे है, तो भाई वो बंदा इधर तो आएगा ही और उसको भाई मैं इजीली मार दूंगा। और कोई भी दूसरा बंदा न्यूट्रल पे नहीं, आई थिंक सो भाई एक टेरानाडोन न्यूट्रल पे था, तो भाई वो बंदा पीछा नहीं कर रहा है, वरना भाई इसको शॉट पड़ने के बाद वो भी बंदा एग्रो होके मेरे पास आ जाता। बट कोई नहीं, चलो अभी इसको जल्दी से मार लेते हैं, क्योंकि भाई मैं मुझे परेशान करेगा रेड में। तो अभी भाई मैंने एंकाइलो को मार लिया और भाई 3 घंटे बाद आया हूँ, और अभी भाई मैं दिखाता हूँ भाई इसका बेस क्या तगड़ा इसने बना लिया भाई 3 घंटे में। तो इधर देख लो भाई, 2 टेरेट लगा दिए, 1 टेरेट टावर में, और लेक देख लो भाई, लेक भाई खतरनाक ले गया। और भाई इसका भाई मैंने वो मारा था ना एंकाइलो, इसलिए वजह से भाई इसने ब्रीडिंग पेन बना दिया है। ओ नो, भाई क्या खतरनाक चीज़ बनाई है इन लोगों ने, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं इस ट्राइब में। ओके भाई, इधर ही ब्लास्ट हो जा रहे हो, और भाई ये ट्राइब भाई बीच में आया होगा भाई, और उसने भाई काफ़ी मेहनत की होगी, और अपने ट्राइब वाले बंदे भाई किसी और पे रेड कर रहे हैं, मुझे पता नहीं भाई किधर रेड कर रहे हैं, बट वो बंदे भाई उधर रेड कर रहे हो। और भाई मैंने इधर रेड करने के लिए बारे में बोला था, बट वो पहले से उधर रेड कर रहे थे, और मैंने भाई पहले स्टार्ट की थी इधर रेड, तो भाई मैंने सोचा इधर ही रेड कर लेते और उसके बाद उधर जाएंगे। तो अभी जल्दी से भाई इधर वापस चलते हैं, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगा था भाई मैं इधर तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि लेग ज़्यादा हो रहा था ना इसलिए। तो अभी हेल्थ रिगेन करने का वेट करते हैं, उसके बाद वापस जाता हूँ और रॉकेट लॉन्चर लेके आता हूँ, और उसके बाद टेरेट हम टावर पूरा गिरा देंगे। ओ ओ मत 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 ओ भाई क्या ही खतरनाक मार रहा है भाई,
कोई नहीं, चलो बच गया भाई, मुझे लगा भाई मेरी इधर ही क्रेट बन जाएगी। तो अभी जल्दी से लेके चलते हैं और रॉकेट प्रोपेलेंट। तो अभी भाई फाइनली अभी चलते हैं, और इस बार हो जाना चाहिए क्योंकि भाई मुझे अभी लग रहा है हो जाएगा, बट लेग हो रहा है इसलिए भाई मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ओके ले, अबे यार नहीं दिखाई दे रहा। ओके ये क्या था भाई, इधर ही ब्लास्ट हो गया भाई। कोई नहीं चलो। ओके तो भाई मुझे अभी जल्दी से भाई उधर पहुंचना है, और मुझे भाई एक ही टेरेट टावर डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि बाकी का तो भाई अपने आप ही हो जाएगा काम। मैं आराम, अरे नहीं नहीं मत मार मत मार मत मार, मरना मत मत मरना मत मरना मत। ओके इधर भाई मैंने C4 लगाया था, और इसका भाई वो पता नहीं भाई ब्लास्टर किधर चला गया, मुझे पता नहीं है। और ओके भाई मुझे बैग नहीं खोलना था भाई, ये कैसे खुल गया। ओके अभी अब नहीं 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 साइड में नहीं जाना था। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई। ओके भाई अभी इसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा भाई इधर से उधर तक पहुंच पाएंगा, और भाई मैं अगर भाई बाहर निकला ओके मैं मरने वाला हूँ। अपना हेलमेट तो गुल हो गया, बट मुझे एक ही टेरेट डिस्ट्रॉय करना, अगर वो हो गया ना तो भाई अपने आप ही काम हो जाएगा। और अभी भाई मेरे पास दो ही बचे हैं रॉकेट प्रोपेलन, दोनों को भाई मुझे यूज़ तो करना ही है किसी भी हालत में। ओके टेरेट डिस्ट्रॉय हो गया भाई, ये सबसे अच्छी बात है। तो भाई मैंने दोनों टेरेट टावर डिस्ट्रॉय कर दिया, मीन्स दोनों टेरेट डिस्ट्रॉय कर दिए इस टावर पे। और एक तो भाई मैंने रिकॉर्ड किया है, और दूसरा वाला भाई मैं गलती से रिकॉर्ड करना ही भूल गया था। और भाई जब भी रैप्टर ने मारा ना, तभी भाई मैंने देखा, तभी मुझे पता कर चला कि भाई मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और ये साले ने मुझे मार दिया है सामने टेरेट के सामने। तो अभी भाई इसको मार देते हैं, और दूसरा वाला अबे तू भी आ जा भाई, जल्दी से आ जा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि भाई मुझे अभी रेड करना है और अभी ही मज़ा आएगा। और भाई मैं अभी 7 रॉकेट लॉन्चर लेके आया हूँ, और इसमें आई थिंक सो हो जाना चाहिए। और ओके इधर कुछ नहीं है, और अपना एक आरजी मर गया है भाई गलती से, क्योंकि भाई जो अपने रेप्टर है वाइल्ड रेप्टर वो सालों ने मार दिया भाई मिलके। बट कोई नहीं चलो, अपने पास काफ़ी आरजी है और ये हमारी लास्ट रेड होने वाली है। तो भाई इसके अलावा जो अल्फा बचा है वो भाई अपना एलियंस है, और इसके उसके अलावा जो अल्फाज बचे हैं वो भाई इस सर्वर के मेंबर हैं, मीन्स मेंबर क्या भाई इस सर्वर के मालिक है ओनर है। तो भाई वो तो अल्फा नहीं गिन सकते क्योंकि भाई उसको तो अंधा भाई पैसा मिलता है, जिसको भी जितना चाहिए उतना मिल सकता है, इसलिए तो भाई उसको तो हम रेड नहीं करने वाले, और अपने एलियंस को भी मैं रेड नहीं करने वाला। तो अभी जल्दी से भाई इन सबको मार देता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा भाई इसके पास डाइनो है, पहले मुझे नहीं लगा था भाई इतने ज़्यादा हो गए, बट कोई नहीं चलो सबको मार देते हैं। और इसकी इम्प्रिंटिंग तो इस सालों ने कराई नहीं है भाई, क्या ही खतरनाक आरजी है, बट सालों ने इम्प्रिंटिंग नहीं कराई, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो अभी जल्दी से भाई सबको मार लेते हैं इधर वाले डाइनो को, और उसके बाद भाई मेन बेस पे भाई ढाबा बोलते हैं, जिधर भाई काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होगी भाई, काफ़ी अच्छी अच्छी लूट होने वाली है, क्योंकि भाई इन लोगों ने भाई कितनी जल्दी भाई ये टेरेट टावर खड़े किए ना, इसलिए भाई मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लूट होगी। और इसके पास इंडस्ट्रियल फोर्ज है तो भाई और भी ज़्यादा होगी। अबे मर जा भाई, कितना टाइम लगाएगा। ओके भाई मैं जल्दी से मार देता हूँ, क्योंकि भाई इन लोगों ने भाई कई लोगों को फिर से रिवाइव कर लिया, जिसकी हेल्थ भाई 6000 है, तो भाई उसको मारने में हालत पतली हो जाएगी। बट मैं जल्दी से भाई मार लेता हूँ सबको, और टाइम लगेगा फिर भी भाई मैं मार दूंगा, कोई नहीं चलो। तो अभी भाई इन सबको मैंने मार दिया है, और सबको नहीं मारा भाई, दो डाइनो को मैंने छोड़ दिया क्योंकि भाई पीछे टेरेट है और मुझे भाई टेरेट का कोई भी नुकसान नहीं चाहिए। एक दो गोली लगी है और मैं मरना नहीं चाहता इधर, इसलिए। और अभी इसको भाई जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हो, और भाई भाई इतनी जल्दी भाई मुझे है ना पूछो ही मत, मैंने गलती से अपना ही ग्लव्स तोड़ दिया। ओके भाई उधर लगना चाहिए था, इधर क्यों लगा, और मैं ज़्यादा भाई इधर जा भी नहीं सकता क्योंकि भाई वो वाला टेरेट टावर भाई मुझ पर अटैक कर रहा है, इसलिए। बट कोई नहीं चलो, अभी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए थोड़ी देर में। तो आई थिंक सो भाई मेरे पास 4 रॉकेट प्रोपेलेंट है, तो भाई 4 से हो जाने चाहिए। ओके तो ये वाला भाई, ओके भाई रॉकेट प्रोपेलेंट मीन्स रॉकेट लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो भाई इससे हो जाएगा क्या मुझे पता नहीं, बट हो जाना चाहिए आई थिंक सो। ज़्यादा हेल्थ बची नहीं होगी अभी तो। ओके हो गया भाई, मुझे लगा ही था हो जाएगा। तो अभी जल्दी से भाई फैब्रिकेटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और भाई मुहूर्त में ही फैब्रिकेटर मिल गया, तो भाई इसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके भाई इधर किसकी क्रेट बनी है भाई, पहले देख लेते हैं। ओके जर्नीमैन राइफल है भाई, स्नाइपर मीन्स राइफल क्या स्नाइपर ही है, काफ़ी बढ़िया। चलो इधर ही भाई इतनी ज़्यादा मीन्स अमेजिंग लूट मिल रही है, तो भाई आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए सब में लूट। ओके डिमोरफोडन किधर से आया भाई, मुझे लगा इसका भाई क्या बोलते हैं टेम है,
तो भाई मैं तो डर ही गया था, क्योंकि भाई मेरे पास ग्लव्स नहीं है, और वो साला भाई जिधर भी अपना आर्मर नहीं होता ना उधर ही अटैक करता है। इसलिए अबे हो जा, क्यों नहीं हो रहा? ओके साला अटैक ही नहीं कर रहा था, बट कोई नहीं, चलो अभी हो गया। और भाई मुझे इधर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। वो भाई 5000 हार्ड पॉलीमर, ओ भाई 5 नहीं 8000 भाई हार्ड पॉलीमर। और भाई ये क्या सिलिका पल्स, क्या भर भर के है भाई। और भाई मैं बताना भूल ही गया था भाई, इस सर्वर में जो एडमिन है वो भाई काफ़ी बंदे को भाई रिसोर्स देता है, जो भाई मांगते हैं उसको। तो भाई मैं मांगता नहीं हूँ, इसलिए भाई मुझे रिसोर्स नहीं मिलते, बट इन सबको भाई रिसोर्स देता है। और आई थिंक सो भाई उसको उधर से ही मिले होंगे। तो अभी भाई मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है उस कोने में भाई आई थिंक सो टेरेट होना चाहिए, क्योंकि भाई ब्रीडिंग पेन में इसने टेरेट लगाया था इसलिए। तो इधर भाई क्राउच करके भाई डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं ही। ओके फाइनली हो गया भाई इधर। ओके वोल्ट है इधर भाई, मुझे लगा भाई इधर टेरेट है। और भाई फिनिक्स भाई इस टाइम में भी फिनिक्स है। तो भाई मैंने जो फिनिक्स है उसको भाई 3 बार रेड किया है, मीन्स उसकी ट्राइब को भाई। और वो बंदा भाई उसी ट्राइब में मिलता है जिधर भाई मैं रेड करने जाता हूँ, बट कोई नहीं चलो। तो भाई वो बंदा अनलकी है मेरे बाबत में, क्योंकि भाई मैं जब भी रेड करने जाता हूँ तो भाई उसका ही हमें बेस मिलता है, बट कोई नहीं चलो भाई उसका लक ही खराब है। ओके भाई इसमें अपने पास गन पाउडर है, और भाई मुझे ज़्यादा रिसोर्स मीन्स कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं अभी इस टाइप को छोड़ने ही वाला हूँ, मीन्स इस सर्वर को। भाई क्या ही बोल रहा हूँ, तो इस सर्वर को भाई मैं छोड़ने ही वाला हूँ, ये रास रेड करने के लिए आया था। और भाई मैं कुछ भी सामान लेके जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं लेके गया और भाई मैंने अपने वॉल्ट में रखा और किसी ने रेड किया तो भाई उधर से उसको सामान मिल जाएगा इसलिए। और अपना जो सर्वर है उसमें भाई डीके टाइम नहीं है, तो इसलिए भाई मैं बिल्कुल ही लेके नहीं जाने वाला, इधर ही रखने वाला हूँ। जो भाई मुझे सामान चाहिए होगा थोड़ा, जो भाई रेड करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा अभी के लिए, वो भाई मैं लेके जाऊँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाने वाला। ओके भाई इधर भी एक बंदे की डेड बॉडी है भाई, कितना ट्राइब मेंबर है, मीन्स एक बाहर था, एक इधर है, एक और उधर मिला था, मीन्स 5 या 6 भाई ट्राइब मेंबर्स है भाई इस ट्राइब में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा भाई ट्राइब मेट है। ओके इसके पास भी लॉन्ग नेक है और सिंपल पिस्तौल भी है सेंडेंट वाली, काफ़ी अच्छी लूट है। मीन्स अभी तो भाई हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखी, वोल्ट और स्मिथी, क्योंकि भाई इन दोनों में काफ़ी बढ़िया स्टफ़ होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी पहले भाई इसको मार देते, उसके बाद भाई हम देखेंगे। अबे क्यों नहीं लग रहा भैंस, क्या भाई उधर क्या था? ओ ओ एक क्या था, किसने मारा सालो भाई? आई थिंक सो टेरेट ग्लिच हो गया, मीन्स मेटल के वॉल ग्लिच हो गई होगी, जिसके वजह से भाई मुझे उधर से टेरेट लगा होगा। तो अभी इसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि भाई सबको भाई मैंने मार दिया और इस सबके पास भाई लूट भी नहीं है इसलिए। अबे हो जा भाई, कितना टाइम लगाएगा भाई जा। अबे हो जा ना भाई, मुझे लगा हो गया। ओके इधर से ही भाई ब्लूप्रिंट मिल गए हमें। वैसे भाई हमारे पास काफ़ी बढ़िया ब्लूप्रिंट है, तो भाई उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये सब लेके जाने वाला हूँ या भाई ड्रॉप करके जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं रेड करने आया हूँ तो भाई ये तो करूँगा ही मैं। और भाई सबसे बढ़िया आर्मर है ना वो गिली का आर्मर है, क्योंकि आपको भाई एशियन आर्मर इजीली आप बना सकते हो किसी भी झंझट के अलावा, क्योंकि भाई आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर उधर इजीली मिल जाएगा इसलिए। और इसमें काफ़ी बढ़िया सामान है, वैसे मुझे नहीं लगा था भाई इतना इम्पोर्टेंट स्टफ होगा इसमें, मुझे लगा था भाई सबसे इम्पोर्टेंट स्टफ वॉल्ट में होगा, और वॉल्ट में होना ही चाहिए, क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, मीन्स रिसोर्स है फैब्रिकेटर में थे, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है भाई। मैंने जो एक्सपेक्ट किए मेटल वेटल सब कुछ, तो वो सब नहीं है, तो इसलिए भाई मुझे लग रहा है उसमें होना चाहिए इसके वॉल्ट में। तो अभी भाई जो लास्ट वाले डाइनो बचे हैं दो, एक आरजी बचा है और एक आई थिंक सो ट्रेपेज। अबे किधर से लगा, अबे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भाई, वरना भाई मैं इधर ही क्रेड बन जाएगी। तो इन दोनों को भाई मैं जल्दी से मार देता हूँ इन सिंपल चीज़ या भाई शॉटगन से, तो जल्दी से मार देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। तो अभी भाई मैंने सबको मार दिया और भाई मेरा साउंड ग्लिच हो गया, बट कोई नहीं चलो अभी क्या ही कर सकते हो। और मुझे इधर से भाई इतनी लूट मिली है और वैसे रिसोर्स मिले हैं, बट मुझे वो नहीं चाहिए इसलिए भाई मैं लेके जाने नहीं वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से भाई मैं दिखा देता हूँ इसका फैब्रिकेटर, रुको ज़रा। और ये दोनों तो भाई सिंपल वाली शॉट गन है, मुझे लगा भाई प्रिमेटिव वाली है, मीन्स प्रिमेटिव क्या SNN वाली मुझे ऐसा लगा इसलिए। तो अभी इसको भाई लास्ट वाले को मार देते हैं, जो भाई इसका ट्रेपेज आ रहा आई थिंक सो अभी टेम किया होगा इसने,
क्योंकि पहले तो नहीं था, जब भी भाई मैं 3 घंटे पहले आया था रेड करने के लिए तब भी भाई इसके पास टेपेज़ारा नहीं था। और भाई मुझे थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, अगर भाई इस वाला टेरेट ऑफलाइन नहीं हुआ ना तो भाई मुझे इधर ही मार देगा, इसलिए भाई मैं बच के जा रहा हूँ। ओके आई थिंक सो ऑफलाइन ही है, बट कोई नहीं, चलो अभी भाई मैं इसको फैब्रिक मीन्स इसके फैब्रिकेटर की लूट आपको दिखा देता हूँ और एक बार रीचेक भी कर लेता हूँ। अगर कोई भी स्टफ मिल जाए जिससे भाई मैं वोल्ट को डिस्ट्रॉय कर सकूँ तो भाई वो ले लेता हूँ। तो भाई ये देख लो भाई, इसके पास फैब्रिकेटर में इतना सारा सामान है और भाई मैं अपने लिए मीन्स अपने थंबनेल के लिए भाई ये सब कलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद स्क्रीनशॉट पाड़ लूँगा। ओके ये उठा लेते हैं और थोड़ा सा और कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई थोड़ा सा हमें चाहिए होगा ना एट्रेक्टिव, इसलिए भाई मैं स्क्रीनशॉट पाड़ रहा हूँ। तो भाई ये थोड़ा सा लंबा एपिसोड होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए, और अभी एडिटिंग के टाइम पता लगेगा भाई कितना लंबा होगा। और इसके पास ये सारे रिसोर्स है देख लो, तो अभी भाई सबको ड्रॉप कर देते हैं। और भाई ओके 2 मिनट में चला जाएगा तो सबसे अच्छी बात है, आई थिंक सो भाई 2 मिनट तक तो भी बंदे ऑनलाइन नहीं आएंगे। बट मुझे थोड़ा सा सिलिका पल्स चाहिए, वो भाई मैं लेके जाने वाला हूँ क्योंकि भाई मेरे मुझे इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होगा इसलिए। तो अभी भाई मैं इधर टेम करने के लिए आया हूँ अपने लिए अर्थोप्लोरा, क्योंकि भाई मुझे वोल्ट डिस्ट्रॉय करना है इसलिए। और अभी जल्दी से भाई अर्थोप्लोरा टेम करते हैं, और मुझे पता नहीं भाई किधर अर्थोप्लोरा मिलेगा, क्योंकि भाई मैं इससे पहले भी आई थिंक सो 2 या 3 बार आया था बट तब भी नहीं मिला था, बट अभी आई थिंक सो मिल जाना चाहिए। और अब तक भाई उसने ट्राइब में से कोई भी ऑनलाइन नहीं आया, तो भाई मुझे वो अच्छी बात लगी, क्योंकि अगर उसके ट्राइब में से कोई भी बंदा ओके इधर ही अर्थोप्लोरा मिल गया भाई उसके, भाई मैं तो डर ही गया था, तो इन सबको सबको मार देता हूँ भाई, ये सब एग्रो होने ही वाले हैं थोड़ी देर के बाद इसलिए। और भाई उस टाइम में जिधर हम रेड कर रहे हो उसमें से भाई कोई भी बंदा ऑनलाइन नहीं आया, क्योंकि भाई किसी ने भी चैट में बात नहीं की, या भाई जो फिनिक्स है उसने भी कुछ नहीं बोला इसलिए, तो भाई वो ऑनलाइन नहीं आया। तो सबसे इजी टास्क है मेरा, इसको टेम करना है, उसके बाद उसके बेस पे जाना है और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना है, और दूसरा कुछ नहीं है। और हो सके तो लो ले, ओके मुझे लो लेवल वाला ही मिला है, मुझे लगा भाई 50 का राउंड मिल जाएगा ना तो अच्छी बात होगी, बट कोई नहीं चलो इसको ही टेम कर लेते हैं अभी। ओके तो अभी भाई मैं इसको लेके चलता हूँ अपने आरजी को और थोड़ा सा रिजोल्यूशन कम कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लेग अभी सामना करना पड़ रहा है, मीन्स लेग हो रहा है अपना डिवाइस इसलिए। और अभी जल्दी से भाई इसको लेके चलते हैं अपने अर्जेंट एविस से, आई थिंक सो भाई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अभी देखते हैं भाई पहले तो ओके भाई, और भाई मैंने राइट वाला टेरेट टावर भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो भाई मुझे राइट वाले की भी टेंशन नहीं है। और मुझे जो टेरेट टावर डिस्ट्रॉय करना बाकी है मीन्स जो 2 टेरेट टावर मुझे परेशानी दे रहे हैं वो भाई उस साइड पे है, जो भाई मुझे अभी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई उसको क्यों डिस्ट्रॉय करने जाना है। और भाई मैं वापस आ रहा था तभी भाई मेरी क्रेट बन गई, जो भाई मैंने लास्ट वाला टेरेट टावर डिस्ट्रॉय किया ना उस दर से भाई मैं वापस आ रहा था, तभी भाई वो दूसरे वाले टेरेट टावर ने भाई मुझ पर अटैक कर दिया। तो अभी भाई जल्दी से हो जाओ, और इसका भाई मिली डैमेज बिल्कुल ही रटी है क्योंकि भाई लो लेवल के हैं ना इसलिए, और आई थिंक सो हो जाना चाहिए। तो आई थिंक सो अगर भाई मेरे ट्राइब में से कोई भी बंदा आया ना तो अभी भाई मैं उसको बुला लूँगा हेल्प के लिए, क्योंकि भाई मुझे हेल्प चाहिए होगा इधर। अगर भाई वो बंदे ऑनलाइन आ गए और रिस्पॉन होके भाई इधर आ गए और मुझे मार दिया ना तो दिक्कत हो सकती है इसलिए। वैसे भाई मेरे पास इंपॉर्टेंट स्टफ नहीं है, बट अपने पास इधर 2 आरजी है, एक भाई अपना अर्थोफ्लोरा है इसलिए। ओके अभी भाई वोल्ट डिस्ट्रॉय हो गया, और अभी जल्दी से भाई इसका वोल्ट डिस्ट्रॉय करते हैं। अबे यार भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं चलो भाई मैं अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा अकेला हूँ। और इसकी हेल्थ कितनी है वो दिखना है। अबे यार वॉल ही क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट कोई नहीं चलो अभी इसको पहले वोल्ट डिस्ट्रॉय करने देना पड़ेगा, उसके अलावा तो भाई लगने नहीं वाला मुझे पता है, क्योंकि भाई अर्थोप्लोरा है उसका भाई मुंह किधर लगता है और किधर दिखाई देता है मुझे पता नहीं लग रहा। देख लो भाई भैंस के यहाँ किधर चल जा रहा है भाई। ओके फिनिक्स ऑनलाइन आया भाई, मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि भाई वो बंदा इधर ही आएगा रिस्पॉन करके, तो भाई जितना हो सके उतना जल्दी मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अगर भाई वो बंदा इधर तक पहुँच गया ना तो भाई मेरी वाट लग सकती है, और भाई वो नज़दीक तो रिस्पॉन नहीं हो सकता क्योंकि भाई नज़दीक हमारा एलियंस का ये होम है, तो भाई उधर से तो वो इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि उधर भाई काफ़ी रेंज तक भाई हाई टेरेट बैठा रखी है इसलिए। और अभी इधर भी देख लेते भाई इसके जनरेटर में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इधर भाई एक टेरेट लगा हुआ था इसलिए।
ओके भाई, वैसे 100+ है तो भाई अच्छी बात है। और भाई एआईएस भाई उनके नज़दीक ही है, इसलिए भाई ज़्यादा होगा ही बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे टेरेट में भी मीन्स अपने जनरेटर में भी ज़्यादा होता है ऑयल, इसलिए तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद फिर से भाई वॉल डिस्ट्रॉय करने के लिए लग पड़ते हैं अभी। तो अभी भाई थोड़ा सा भाई इधर उधर हो गया, क्योंकि भाई मैं भूल गया था फिनिक्स ऑनलाइन आया, और वो साला भाई पीछे से आके भाई मुझे अनकॉन्शियस करके मेरे दोनों आरजे को मार दिया, अर्थोप्लोरा को मार दिया। बट कोई नहीं, चलो। तो भाई ये सब लूट है जो भाई अपने ट्राइबमेट ने भाई दूसरे बेस पे रेड करके लूटी है, और इनमें से थोड़ी सी लूट भाई पहले से ही है। और भाई मैंने जिधर रेड किया था उधर से मैंने भाई कुछ भी नहीं लूटा, तो ये अच्छी बात है। तो अभी भाई सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि भाई मुझे अभी ऐसे नहीं रखना है, और भाई मैं सब डिस्ट्रॉय करके ही जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई इस सर्वर में भाई कभी भी डिके नहीं होता कोई भी आइटम्स, इसलिए भाई मैं सब डिस्ट्रॉय करके जाने वाला हूँ। मैं सब किया भाई जिसमें भाई रिसोर्स है ना वो सब डिस्ट्रॉय करके जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता भाई किसी को भाई इजीली इतना ज़्यादा स्टफ मिल जाए। और इधर देख लो, और भाई ऊपर भी एक वॉल्ट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये भाई गैसोलीन डाल देते हैं, क्योंकि भाई मैं टेरेट ऐसे ही रखने वाला हूँ, तो भाई थोड़ा सा भाई बेस प्रोटेक्ट रहेगा। वैसे भाई मैं इधर अभी खेलने नहीं आने वाला, बट कोई नहीं, चलो अभी प्रोटेक्शन तो चाहिए होगा, क्योंकि जब तक भाई ये सब मीन्स 15 मिनट गुजरते हैं तब तक तो भाई प्रोटेक्शन चाहिए होगा, इसलिए तो अभी हम इधर ही अपनी सीरीज़ और इधर ही अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।